हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। आज का हमारा डेटा स्ट्रक्चर में टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग क्या होती है, कैसे ये परफॉर्म होती है, कितने टाइप की सर्चिंग होती है, वो हम देखेंगे अभी। और प्रॉपर तरीके से जो इसकी एल्गोरिथम है लीनियर सर्च बाइनरी सर्च की, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। तो सर्चिंग की अगर बात करते हैं, तो सर्चिंग में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सर्चिंग होती क्या है। सर्चिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट स्टोर इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में, एक लिस्ट में कोई एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो उन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट को क्या करना, फाइंड आउट करना, वो कहलाता है हमारा सर्चिंग। कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है, उसको फाइंड करना हमारा कहलाता है सर्चिंग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सर्चिंग में, हमारे पास कोई एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है वो स्टोर है, 2, 5, 3, 6, 1 ये एलिमेंट है। मान लो हमें कोई एलिमेंट इसमें देखना है कि 6 इसमें है या नहीं है, 6 एलिमेंट को क्या करना है, इस लिस्ट से सर्च करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 जो होगा कंपेयर होगा 2 से, तो 6 2 के इक्वल नहीं है, तो एक इंक्रीमेंट होगा 6, फिर 5 से कंपेयर होगा, 6 3 से भी कंपेयर होगा, और 6 जैसे ही 6 से कंपेयर हुआ तो यहां पर हमारा एलिमेंट जो हो गया, हमें फाइंड आउट हो गया, तो ये सर्चिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होती है सर्चिंग। सर्चिंग का मीनिंग ही यही होता है, किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट में से कोई एलिमेंट क्या करना, फाइंड आउट करना, वो कहलाता है हमारा सर्चिंग। अब सर्चिंग की बात करते हैं, तो सर्चिंग होती है टू टाइप्स की। सर्चिंग होती है टू टाइप्स की, एक लीनियर सर्च होती है, बाइनरी सर्च होती है। लीनियर सर्च में क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में सर्च होता है, एक के बाद एक सर्च होता है। जैसे अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास, मान लो ये एलिमेंट है 2, 3, 5, 1, 6, इसमें से अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है, कोई भी एलिमेंट, मान लो मुझे 1 सर्च करना है, तो सबसे पहले वो 1 से कंपेयर होगा, नहीं मिलेगा एलिमेंट तो ये इंक्रीमेंट होगा, 3 से होगा, नेक्स्ट 5 से होगा, और नेक्स्ट यहां पर ये, मतलब इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट को ये फाइंड आउट करेगा, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा कि वो एलिमेंट वो है तो नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को देखना है और हर एक एलिमेंट से उसको कंपेयर करना है। तो इस ड्रॉबैक को जो रिमूव किया था, वो किया था बाइनरी सर्च ने। बाइनरी सर्च में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है 2, 3, 5, 1, 6, ये एलिमेंट है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले एलिमेंट सॉर्ट ऑर्डर में हो जाते हैं। यानी इससे पहले आपको सॉर्टिंग भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग होती क्या है, अभी सॉर्टिंग हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट ट्यूटोरियलों में आगे हम सॉर्टिंग भी देखेंगे। तो पहले इसको ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, सॉर्ट कर देगा एक। इसके बाद क्या करता है ये बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये एलिमेंट, मान लो मुझे यहां पर 5 को सर्च करना है, तो उसमें क्या करता है, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी अगर ये इंडेक्स 0 है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें सबसे पहले निकलता है मिड। मिड इक्वल टू होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 0 प्लस 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 2, तो 2 आ गया मिड। अब ये कंपेयर होगा 2 के साथ, सीधे 2 के साथ कंपेयर होगा, जो 2 वाला इंडेक्स वैल्यू हमारी मिड की जो होगी 2 हो गई। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंडेक्स की वैल्यू 3 है, ये 3 के साथ कंपेयर होगा। अगर ये 3 से इक्वल है तो यहीं पर हमारा सर्च कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये 3 से बड़ा है तो ये इस पास में चेक होगा। अब हमारा ये दो पास में टूट जाएगा, एक पास हमारा ये हो जाएगा और दूसरा पास ये हो जाएगा। अगर ये 3 से बड़ा है एलिमेंट है तो ये इस पास में चेक होगा, और ये अगर 3 से छोटा होगा तो ये इस पास में चेक होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जा रहा है, जो इसमें था एक एक एलिमेंट सब चेक हो रहा था, इसमें क्या है, प्रॉपर वो मिड में देखेगा, मिड वाला एलिमेंट अगर वही होगा तो सर्च वहीं कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो मिड से बड़ा है तो सेकंड पास में चला जाएगा, अगर वो मिड से छोटा है तो फर्स्ट पास में वो चेक होगा। सेम कंडीशन फिर नेक्स्ट प्रोसेस में भी वो लगेगी, पासेस में भी वही कंडीशन लगेगी। तो ये होती है हमारी सर्चिंग कंडीशन। इसको अब प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, लीनियर सर्च क्या होती है, इसके एल्गोरिथम के थ्रू देखेंगे इसको प्रॉपर। थैंक यू फ्रेंड।